कल तक ढिंढोरा पिट रहा था कि चाइनीज पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तानी खातूनों से शादी करके चीन भाग जाते हैं। आवाज यह भी उभर रही थी कि चाइनीज लोग इन खातूनों को अवैध धंधों में धकेलकर चलते बनते हैं। मतलब यह परमाणु संपन्न इस मुल्क के मुंह पर एक कालिक थी जो उतरने की बजाय और घनी हो गई। पर अब मामला कुछ और ही निकल कर आया है। पाकिस्तान की इस निकाह कारस्तानी में ब्रिटेन भी नाच रहा है। शादी को जो झुनझुने चीनियों ने बजाए उससे ज्यादा अलगोजे तो ब्रिटेन के बज गई। अभी उसने पाकिस्तान के दाल भात की कहानी बड़ी पीड़ा के साथ दुनिया को सुनाई है। ब्रिटिश रो रहे हैं और पाकिस्तान कभी अपने खसम रहे इस मुल्क पर दहेज का दावा करने की तैयारी कर रहा है। चीनी चतुर थे, वह तो बच निकले, पर ब्रिटिश चतुर नहीं बेवकूफ बनकर ही रह गए। अब वह पाकिस्तान के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं, जहां से निकलना उनके लिए टेढ़ी खीर है। दरअसल गरीबी और भूखमरी से जूझते इस मुगल छाप देश ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। अपनी गरीबी दूर करने के लिए पाकिस्तान ने पर्यटकों के रूप में आए ब्रिटिश नागरिकों को अपना शिकार बनाया है। भूखमरी है, खाने के दानों के लाले पड़े हैं, इसलिए पाकिस्तानियों ने अपनी लड़कियों को हुई पैसा कमाने का माध्यम बना लिया। वैसे भी इस देश का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। इस देश से बेटियों के सम्मान की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। यह लोग विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठने के लिए अपनी लड़कियों की शादी जबरदस्ती उनसे करा देते हैं। खास बात यह है कि यह सब हथियारों के बल पर और डरा धमका कर किया जाता है। अब जरा ब्रिटेन गृह कार्यालय और विदेश कार्यालय की संयुक्त इकाई जबरन विवाह इकाई के आंकड़े पर गौर फरमाइए। यह कार्यालय वर्ष 2011 से एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 110 से ज्यादा देशों से जुड़े ऐसे ही जबरन विवाह के मामलों को देख रहा है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश नागरिकों के अपने देश में जबरदस्ती विवाह कराने के मामले में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। वर्ष 2018 में पाकिस्तानियों ने 769 ब्रिटिश नागरिकों को अपना शिकार बनाया। पाकिस्तानियों ने इन नागरिकों को पहले कैद किया, मारा पीटा, फिर बंदूक की नोक पर अपनी लड़कियों की उनसे शादी करा दी। खास बात तो यह है कि इनमें से 110 ब्रिटिश ऐसे थे जो शादीशुदा थे। इन लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। यह सारा खेल पैसे ऐंठने और अपने मदरसा छाप बच्चों को विदेश में भेजने के लिए किया गया। हास्यास्पद तो यह है कि जिन लड़कियों का निकाह ब्रिटिश नागरिकों से कराया गया उनमें से 70% से ज्यादा लड़कियां अशिक्षित थी, 2% लड़कियां विकलांग भी थी। मात्र कुछ ब्रिटिश ही पाकिस्तानियों के चंगुल से निकलकर भागने में सफल हो सके। कुछ आज भी पाकिस्तान के ढाबों पर रोटियां बेल रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। रिचर्ड फ्रेरा जैसे कई ब्रिटिश नागरिक पंजाब प्रांत के गांव में भैंसों का गोबर उठाकर और मजदूरी करके पाकिस्तानियों के बंधक के रूप में काम कर रहे हैं। अब ब्रिटेन ने ये आंकड़े जारी किए तो इन ब्रिटिश नागरिकों की मुक्ति के कुछ आसार बने हैं। इधर पाकिस्तान को भनक लगी तो वह दहेज का दावा करने की तैयारी कर रहा है। यानी भिखारी अपनी बदी से बाज नहीं आने वाला है, भीख का जुगाड़ ढूंढेगा जरूर, बेशक उसका माध्यम कोई भी हो। वैसे यह दुनिया का पहला इकलौता परमाणु संपन्न मुल्क है जो भीख मांगने के कीर्तिमान स्थापित भी कर रहा है और नए नए फंडे सामने लाकर भविष्य के भिखारियों का मार्गदर्शन भी कर रहा है। पाकिस्तानी मूल का ब्रिटेन का गृह मंत्री साजिद जवीद, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नौवे उम्मीदवार बन गए हैं, उसी का मंत्रालय यह रिपोर्ट जारी कर रहा है। मतलब शर्म हया नाम की चीज इस मुल्क के पास तो बिल्कुल नहीं है। पर मामला अब और भी संगीन हो गया है। पाकिस्तान जो पर्यटन से कमाई करने के लिए कुएं और कारखाने का प्रोपेगेंडा रच रहा था, उस पर ब्रिटेन सरकार की रिपोर्ट ने पलीत लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट ने दुनिया को यह भी बताया कि पाकिस्तान जा रहे हो तो अपने पुरुषत्व की गारंटी खुद ही लेकर जाना। पाकिस्तानी उसका शिकार करने के लिए ताक में बैठे हैं, कभी भी उसमें सेंग लग सकती है। वैसे दुनिया के देशों को बड़ी देर में समझ आया कि अमेरिका बार बार अपने नागरिकों को पाकिस्तान में जाने से क्यों रोक रहा है। इस मुल्क में इतना खतरा आतंकवादियों से नहीं है जितना शादी का है। अमेरिका को शायद बहुत पहले अंदेशा हो चुका था कि पाकिस्तान में मामला गड़बड़ चल रहा है। संभवतः वह अमेरिकन को सीधे मोना कहकर दूसरे संकेत से उन्हें सावधान कर रहा था। पर फिलहाल तो ब्रिटिश जो ज्यादा होशियार बनते थे, पाकिस्तान ने उन्हें ही घोड़ी चढ़ाया है। घोड़ी भी ऐसी चढ़ाई कि आज उन्हीं घोड़ियों ने उनकी नाक में नकेल डाल दी है। ऐसी भी खबर है कि इमरान सरकार के आने पर पाकिस्तान जब से नया पाकिस्तान बना है, तब से इस प्रकार की घटनाओं में और भी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले चीनी पहले नंबर पर थे, अब उनका स्थान ब्रिटिश नागरिकों ने ले लिया है।
इसकी वजह यही है कि चीन पाकिस्तान के इस खेल को समझ गया है और उसने अपने नागरिकों को इस प्रकार के झांसों से बचने की सलाह दी है। पर पाकिस्तानी इस धंधे में अब खिलाड़ी बन चुके हैं। कंगाली से जूझते पाकिस्तानियों के नया पाकिस्तान का नया बिजनेस अच्छी प्रकार से फल फूल रहा है। वह इस बिजनेस में पैसा भी कमा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। शायद बेटियां पैदा करके उनका सम्मान करना यह परमाणु संपन्न मुल्क कहीं बेहतर समझता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।